हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप हमें मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज इग्नू जनवरी सेशन 2021 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जनवरी सेशन के जो अब एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में मास्टर में हो तो आप मास्टर में भी चाहे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो अब आपके एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए गाइस ये ऑफिशियल लिंक है, इसके आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आज पूरी वीडियो पर बात करूंगा, कंप्लीट फॉर्म आपको कैसे भरना है आखिर तक का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड रहेंगे, आप ये बार जरूर देख लीजिएगा। बिफोर प्रोसीडिंग टू फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, एक आपके स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, एक होनी चाहिए आपकी एज प्रूफ, जैसे आपकी उसमें टेंथ की मार्कशीट लग जाएगी, ठीक है। रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन होने चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में चल जाएंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी। तो बस मतलब जो चार चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, आप एक आपका रहने चाहिए फोटोग्राफ सिग्नेचर और आपकी टेंथ वो ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट आपकी जो है वो कंपलसरी रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका लिंक है। तो सबसे पहले गाइस हम इस लिंक पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप करेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर यूज़र नेम डालना होगा लॉगिन करने के लिए, कोई भी आप यूज़र नेम रख सकते हैं। आपको अपना पूरा नाम डालना होगा और आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, पासवर्ड बनाना होगा कोई 6 कैरेक्टरों में, ठीक है, 6 वर्ड्स में यानी कि, और री इंटर पासवर्ड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, री इंटर मोबाइल नंबर करेंगे और अपना यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर का बटन दबाएंगे, सो ही हम रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल मैं एक बार जल्दी से डाल लेता हूँ, फिर आपको आगे का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुरू की जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने डाल ली है। देखिए आपको जो आपका नाम है वो आपको स्मॉल लेटर्स में ही बनाना होगा, ठीक है। आपका मतलब जो यूज़र लॉगिन नेम आप बनाएंगे वो आपको स्मॉल लेटर्स में ही बनाना है, मतलब आप जो भी आपके लेटर यूज़ करेंगे वो कैपिटल नहीं होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। फिर आपका आता है एप्लीकेंट नेम फुल नेम, जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे है, ठीक है, मतलब जो आपकी टेंथ क्लास या फिर ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट पे है। तो यहाँ पे मैंने अभिषेक बना दिया, ठीक है। ईमेल आईडी मांगी है, ईमेल आईडी मैंने अपना दे दिया, ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया, ठीक है गाइस। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो है आपका मोबाइल नंबर डाल, पहले हमें पासवर्ड बनाना होगा कोई भी 6 कैरेक्टरों में, ठीक है, फिर री इंटर पासवर्ड करके मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डालूँ। तो यहाँ गाइस आप देख पा रहे होंगे मैंने पासवर्ड भी बना लिया है अपना, 8 कैरेक्टर में मैंने पासवर्ड बनाया और री इंटर पासवर्ड मैंने करके अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। आप कैप्चा कोड डाल के हम रजिस्टर का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो मैंने रजिस्ट्रेशन का जैसे ही बटन दबाया कैप्चा कोड डाल के, मेरे को मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो मैंने डाला उस पर मैसेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप ये कंप्लीट देख पा रहे होंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन अब इसमें हो चुका है। अब मेरे को क्या करना होगा, मैं दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलता हूँ और अब हमें रजिस्ट्रेशन के बाद, अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे जाके सीधा डायरेक्ट, अब देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको नीचे ही मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन यूज़र लॉगिन। लॉगिन आपको किससे करना है, अपने रजिस्टर यूज़र नेम से और पासवर्ड से करेंगे और जो कैप्चा कोड दे रखा है साइड में आप इससे अपना जो है अपना लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यूज़र नेम डेमो और पासवर्ड मैं आपको डाल के दिखा। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, वही जो मैंने आपको पहले बताए थे। यहाँ पे करेंगे आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे और अपना सब प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब सबमिट का बटन मेरे पास आ चुका है। तो देखिए सबमिट का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके 8 प्रोसीजर हैं पूरा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। 8 स्टेप आपको पूरे फॉलो करने होंगे, आप देख पा रहे हैं लाइन से जा रहे हैं। तो अब इस पर आने वाले टाइम में आपको कल या फिर आज देर रात तक एक वीडियो मिल जाएगी आपको पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अभी के लिए रजिस्ट्रेशन पे इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ना भूलें, वहाँ भी आप हमसे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।